ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने सीख लिया था, ठीक है, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होती है। दूसरी आपकी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो आपकी रिलेटेड होती है किससे, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट से। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इनकम टैक्स पेड हो गया, ठीक है। अगली आपकी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो आपकी रिलेटेड होती है कैपिटल एंड बोरोइंग से। जैसे आपका इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो गया, बोरोइंग टेकन हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है। ये सारी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल। तो ध्यान दो, तीन तरह की एक्टिविटी होती है। सबसे पहला हमने सीखा ऑपरेटिंग, दूसरा आपने इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग क्या होती है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एंड उसके बाद थी इन्वेस्टिंग असेट से रिलेटेड, और फाइनेंशियल क्या थी, कैपिटल एंड बोरोइंग से रिलेटेड। अगला टॉपिक आपका आता है कि ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, जिससे ना ही कोई कैश इनफ्लो होता है।